दोस्तों, मकड़ियां घरों, जंगलों और तकरीबन हर जगह पर पाई जाती हैं और इनकी दुनिया भर में 40,000 से ज्यादा इकसाम हैं। और अगर इन मकड़ियों को पूरी दुनिया में फैला दिया जाए तो तकरीबन हर 10 फीट के फासले पर एक मकड़ी आएगी। आंखों के एतबार से मकड़ियों की बाज इकसाम में 4 आंखें और बाज में 12 आंखें होती हैं और मकड़ियों की बाज इकसाम आंखों के बगैर होती हैं। घरों में पाई जाने वाली मकड़ियों की उम्र 2 साल तक होती है और जंगलों में पाई जाने वाली मकड़ियों की उम्र 20 साल तक होती है। मकड़ियों के खून का रंग लाल नहीं बल्कि नीला होता है क्योंकि इनके खून में कॉपर हिनोसाइनिन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। वजन और साइज की बात की जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी गोलियत बर्ड ईटर है जिसका साइज 1 फीट तक होता है। ये मकड़ी परिंदे खाती है, जैसा कि नाम से जाहिर है, गोलियत बर्ड ईटर, बर्ड ईटर यानी परिंदे खाने वाली। और टांगों के एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी हंट्समैन स्पाइडर है जिसकी टांगें 5 इंच तक होती हैं और ये छिपकलियों और चूहों को खाती है। दुनिया की सबसे छोटी मकड़ी पेटोडिगियो है जिसका साइज इतना छोटा होता है कि पेंसिल की नोक पर इस जैसी 10 मकड़ियां आ सकती हैं। गिरगिट अपना रंग बदल सकता है, लेकिन क्रैब स्पाइडर नाम की मकड़ी भी जगह के लिहाज से अपना रंग बदल सकती है। मकड़ियां चलने के लिए मसल्स का इस्तेमाल नहीं करती बल्कि फ्लूट प्रेस यानी हाइड्रोलिक पावर का इस्तेमाल करती हैं। ये अपने जिस्म से 50 गुना बड़ा जाल बना सकती हैं। ये जाल बनाने के लिए 2 सिल्क इस्तेमाल करती हैं। ये इनके पेट में लिक्विड हालत में होता है। जब ये इसको पेट से बाहर निकालती हैं तो हवा से मिलकर यह सख्त हो जाता है। ये इतना सख्त होता है कि अगर स्टील बार को सिल्क जितना बारीक किया जाए तो ये स्टील बार से 5 गुना ज्यादा सख्त होगा। और क्योंकि इसके जाल में विटामिन के बहुत ज्यादा होता है और ये जाल एंटीसेप्टिक होता है, इसलिए पुराने जमाने के लोग इस जाल को जख्मों पर खून को रोकने के लिए इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए